क्या डॉक्टर आज बहुत कम खा रहे हो तुम? ये क्या है? ये आपका नाश्ता है। मेरा? इससे ज्यादा तो चिड़िया खाती है यार। देखो सेठ जी, मेरे साथ हुज्जत मत करो। अरे हुज्जत क्या, मैं तेरी हजामत का डालूंगा। आपको इतना ही खाना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे मैं गले पर कांटों भरा पट्टा पहन लूंगा, फिर भी आपको खाने नहीं दूंगा। मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे मेरे मरने के बाद भी मेरा भूत आके आपको तंग करेगा, वो भी खाने नहीं देगा। डॉक्टर सेठ जी, डॉक्टर सेठ जी, डॉक्टर सेठ जी, डॉक्टर सेठ जी। अरे बेबी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? याद है आपको बड़े डॉक्टर ने क्या कहा था? कि साल भर के लिए आपके लिए हर चीज बंद, सिर्फ परहेज और परहेजी खाना। दिल का छोटा सा दौरा एक बार तो आपको हो चुका है, अब अगर दोबारा कुछ हो गया तो। अरे तो क्या दिल के दौरे के लिए मैं अपने आप को भूखा मार दूं? भूखो मरने से तो बेहतर है आदमी खा खा के मरे। डैडी, बेटी अब तू ही इन्हें समझा, अब फिर जिद करने लगे ना। नहीं बेटी, थोड़ी सी भूख लगी। लेकिन ये खाना आपकी सेहत के लिए खराब है। थोड़ा सा आपको खाना चाहिए और हमें हमारे डैडी चाहिए। अपनी बेटी की इतनी सी भी बात आप नहीं मान सकते? मैं? क्या बात करती बेटी। अरे बाप का ये सीना चीर के देख, अंदर दिल की दीवारों पर हर जगह बेटी का नाम लिखा है, उसी की तस्वीर लगी हुई है। अरे मैं तुम लोगों के लिए तो जीता हूँ। तो फिर वादा कीजिए आज के बाद कभी खाने के लिए जिद नहीं करेंगे। हाँ, और कल मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल ऐसा ही परहेज करेंगे ना? क्यों, तो तू कल जा रही है? हाँ, छुट्टियाँ खत्म, कल से तो कॉलेज खुल रहा है। नहीं बेटी, तो ऐसा मत कर, थोड़े दिनों के लिए आती फिर चली जाती, हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये आखिरी साल है, फिर हॉस्टल खत्म। डैडी आप ऐसा करेंगे ना तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगी। डैडी हाँ बेटी, कुछ नहीं, बैठ बैठ। अरे वो हमारी दूसरी बेटी कहाँ गई? लता? वो लॉन में है। लता जी, लता जी, लता। आप? जी हाँ मैं, लेकिन मेरा होना भी ना होने जैसा है। क्यों, खैरियत क्या हुआ? आप मुझसे बात ही नहीं करती हैं। डॉक्टर से तो मरीज बात करता है, मैं कोई मरीज थोड़ी हूँ जो आपसे बात करूँ। क्यों, डॉक्टर इंसान नहीं होते क्या? उनके सीने में दिल नहीं धड़कता पुट 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 पुट? क्या बात करते हैं, डॉक्टर इंसान होते? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लता जी, आप मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे चश्मे वालों को देखकर बहुत हंसी आती है। अच्छा, ये लो मैं चश्मा उतार देता हूँ। अब तो आपको हंसी नहीं आ रही ना? बगैर चश्मे के आपको दिखता नहीं है, टकरा कर गिर पड़ेंगे। अरे क्या बात करती हैं आप, ये चश्मा तो मैं सिर्फ स्टाइल के लिए पहनता हूँ, वरना हर चीज मुझको साफ आईने की तरह नजर आती है। अच्छा हाँ? वो सामने गुलाब का फूल है ना, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। वो तो भैंस है। वो सामने दिखा? हाँ दिखा। प्लीज ला दीजिए ना मेरे लिए। लेकर आता हूँ बेटा, लेकर आता हूँ। अरे अंदर चश्मे के बिना नजर नहीं आ रहा। हाँ बेटी, तूने सब कुछ सामान सब ठीक रख लिया ना? हाँ डैडी, सब रख लिया है। और वो जो मैंने नए कपड़े सिलवा कर दिए थे वो? अरे बाबा, मैंने खुद अपने हाथों से रखे हैं। अरे ये बाप बेटी का मामला तुम क्यों बीच में टांगा लाती हो यार? डैडी सब रख लिया है, एक एक चीज रख लिया बस, अब मैं चलूं। अच्छा लता, बाय बाय, टेक केयर। यस श्योर। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर डैडी के खाने का ख्याल रखना। ओके हाँ आशा, मैं तुम्हारे पापा का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, और तुम भी अपने पापा की तरह ज्यादा खाना नहीं। ओके, एंड डोंट बी नॉटी। आशा उधर है। आशा आई एम सॉरी, अपना ध्यान रखना आशा। अरे आशा, 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 भीख, आशा, आशा। ओके डैडी, मैं चलती हूँ। बाय प्रिया, अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ मम्मी।
बाय सवाल के लिए जाना। अरे रुक, टिकट हो गया, प्लीज। माजी, माजी, माजी। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माँ अचानक बीच में आ गई और अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि लोग आ जाए और हंगामा हो जाए, हमें इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। हाथ दीजिए। चलिए। घबराने की कोई बात नहीं, इनके हाथ की हड्डी में थोड़ी चोट आई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे आप ऐसा कीजिए कि बाजार से ये दवाई और इंजेक्शन ले आइए। थैंक यू। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, वो दवाइयाँ लेनी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, कार में जाके जल्दी से दवाइयाँ ले आते हैं। आइए चलिए। लाओ भाई, लीजिए साहब, 220 रुपए। 220 रुपए? मेरे पास तो 113 रुपए हैं। तो अरे एक मेहरबानी करेंगे आप मेरे पे, ये आप मेरी घड़ी रख लीजिए, मैं बाकी के पैसे देकर छुड़ा लूंगा। देखिए वो क्या कि मरीज को दवा देना बहुत जरूरी है, वरना। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ। 113 रुपए। मगर बाकी के पैसे दे जरूर जाना। जी जी, ये दवाइयों की दुकान है, कोई सामान गिरवी रखने की दुकान नहीं। जी बेफिक्र रहिए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कहाँ गई है? अरे अरे आप कहाँ चली गई थी? वहां आपकी घड़ी लाने। घड़ी? माना कि वो आपकी माँ है, लेकिन उनको जख्मी करने वाली तो मैं हूँ ना, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनकी हर जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी चाहिए। लीजिए अपनी घड़ी। घड़ी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रही वक्त की बात, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ। क्यों, पूछ सकता हूँ ना आपसे? जरूर पूछ सकते हैं। हाँ। अगर फिलहाल आप इसे बांध लीजिए। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? जी मैं मुझे छोड़िए, ये बताइए आपका बेटा सूरज कहाँ है? मेरा बेटा? बेटी, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। जी, तो सूरज आपका बेटा नहीं है? बेटी, मेरा नाम फातिमा है, अगर मेरा कोई बेटा होता भी तो सूरज उसका नाम कैसे हो सकता था? इस अस्पताल में भी किसी ने मेरा नाम गंगा लिखवा दिया है। वो नाम मैंने लिखवाया था माँ जी, क्योंकि मेरी माँ का नाम गंगा था, और फिर गंगा हो या फातिमा हो, हर मजहब में माँ तो माँ ही होती है। क्यों? खैर आप ये बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, मगर तुम कौन हो बेटा? जी मैं ही सूरज हूँ। माँ जी, जब आपका कार से एक्सीडेंट हुआ तो आपका इलाज करना बहुत जरूरी था, और फिर ये अस्पताल वाले बिना नाम या रिश्तेदारी के दाखिल नहीं करते, इसलिए मैंने आपका नाम गंगा लिखवा दिया था। जी ओ बेटा, इस बेमुरव्वत दुनिया में लोग अपनी सगी माँ की परवाह नहीं करते, और तुमने गैर होकर मेरे लिए कितना कुछ किया। क्या बात करे, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा तुम्हें खुश रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। अरे तरक्की का माँ जी, आज के जमाने में एक नौकरी मिल जाए तो जिंदगी की डूबती कश्ती को किनारा मिल जाए। कर 9 बजे मुझे देर हो रही, मेरा इंटरव्यू है आज माँ जी, चलता हूँ। आज भी
इस दुनिया में फरिश्ते मौजूद हैं। खुदा करे इसे नौकरी मिल जाए। अरे आशा जी, आप और यहाँ? हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा? क्यों? ये जानने के लिए कि आपको नौकरी मिली कि नहीं। वैसे मुझे तो विश्वास था कि आपको नौकरी जरूर मिली होगी, इसलिए एडवांस में मुबारकबाद देने के लिए ये फूल लाई हुई हूँ। आपने फजूली पैसे जाया किए इस फूल पर। क्या मतलब? आपको नौकरी नहीं मिली? मिली थी, आपका विश्वास भी बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ एक और उम्मीदवार आया था, बहुत बुरी हालत में था। चार बच्चे, बीवी, खुद बूढ़े माँ बाप। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना नाम वापस ले लिया और नौकरी उसे दिलवा दी। अपना क्या है जी, अकेले हैं, चार दिन थक के और खा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसे नौकरी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि अस्पताल में फातिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। आप जैसे लोग आज की दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी बहुत मिलते हैं, हम गरीब लोग तो आपस में दुख सुख बांटकर ही जी लेते हैं, वरना हमारी दुनिया में रखा क्या है? हाँ, शायद दौलत वालों की दुनिया में ऐसे लोग कम होंगे। अच्छा, तुम्हें चलूं? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? खाना खाने, आज रात का खाना मेरी तरफ से। अरे अरे, क्या बात कर रही है आप, रात का खाना होगा तो मेरी तरफ से होगा। ठीक है, तो चलिए।